तो गाइस जैसे कि आप सभी को याद होगा कि पार्ट 5 में हम सब तीन टीम में डिवाइड होकर ड्रैगन्स को अलग अलग ढूंढने के लिए जाते हैं, पर पेनीवाइज और साइरन डेन हमसे पहले पहुंच के वापस दो ड्रैगन ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, और उसी की दूसरी तरफ शिनचैन और हल्क रखवाले को हराने में कामयाब हो जाते हैं, और उसकी इजाजत से तीसरे ड्रैगन को ढूंढने के लिए वो लोग माइनक्राफ्ट की पोर्टल में जाते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है, हल्क और शिनचैन वो तीसरे ड्रैगन को ढूंढने में कामयाब होंगे या फिर इस बार भी भूतिया पार्टी की जीत होगी? तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे ये कहां पर आ गए हम? और ये कैसी जगह है? अरे हल्क कहाँ पर गया और तुम कौन हो? शिनचैन मैं ही हल्क हूँ। अरे तुम तो एकदम अजीब से दिख रहे हो। तुम भी अलग दिख रहे हो। अरे ये हम दोनों ऐसे कैसे हो गए? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है ना इस दुनिया में आते ही हम इस दुनिया जैसे हो गए हैं। हल्क को तो अपनी पावर भी महसूस नहीं हो रही। इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जल्दी से जाके ड्रैगन को ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी हल्क को यहाँ सब एक जैसा दिख रहा है। अरे हाँ यहाँ पर तो घास भी चौकोन है और पत्थर भी, पता नहीं कैसी दुनिया में गए हैं हम। अरे ये क्या चीज है? अरे ये तो मैंने भी पहली बार देखी है। हल्क को लगता है इनसे पूछना चाहिए, इनको पता होगा ड्रैगन कहाँ पर है। अरे हल्क हमको तो पता भी नहीं है ये लोग कौन है, और मुझे नहीं लगता ये लोग हमारी मदद करेंगे। मैं तो बोलता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं छुपके छुपके। अरे पर शिनचैन हम जाएंगे कहाँ पर? हमें तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता। अरे हल्क हमको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो हमारी मदद करेगा। अच्छा ठीक है, अब चलो यहाँ से जल्दी जल्दी इससे पहले कि ये लोग जाग जाए। ये देखो कितनी अजीब सी झाड़ियाँ है। अरे तो क्या हुआ, कम से कम हमारे छुपने के काम तो आ रही है। पता नहीं ये कहाँ पर निकलेगी। अरे वाह फाइनली हम लोग बाहर आ ही गए। हल्क को वहाँ पर कुछ दिख रहा है। अरे ऐसा भी क्या दिख गया? अरे ये तो वैसा ही दिख रहा है जिनसे हम थोड़ी देर पहले छुपके छुपके आए। अरे हल्क रुको मैं इससे बात करके आता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे तुम कौन हो? तुमको तो यहाँ पहली बार देखा है। अरे वो हम यहाँ के नहीं है ना इसलिए। तो फिर कहाँ के हो? हल्क और शिनचैन दूसरी दुनिया से तुम्हारी दुनिया में आए। अरे ये तो क्रीचर या ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। अरे नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त हल्क है। तो फिर ये इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? अरे मुझे लगता है ना इसका बड़ा सा शरीर कंप्रेस हो गया ना इसलिए। हल्क को ऐसा बोलने वाले तुम कौन हो काली लकड़ी? मैं कोई काली लकड़ी नहीं हूँ, मेरा नाम एंडरमैन है और ये हमारा इलाका है। अरे ये लोग कौन है? मुझे लगता है ये लोग यहाँ पर नए आए हैं, पर ये आते ही एंडरमैन के सामने क्या कर रहे हैं? इन्हें शायद पता नहीं है एंडरमैन इन्हें थोड़ी देर में मार देगा, अब मुझे ही उन्हें जाके बचाना पड़ेगा। तो जल्दी से पहुँचता हूँ वहाँ पर। रुक जाओ एंडरमैन, ये लो ये भी लो। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम स्टीव है। तुम भी हमारी तरह दूसरी दुनिया से आए लगते हो। नहीं मैं इसी दुनिया का हूँ। पर तुम कहाँ से आए हो? अरे हम तो लॉस सेंटोस से आए हैं। लॉस सेंटोस ये कहाँ पर आता है? अरे वो दूसरी दुनिया में है। ये कौन है? मेरा नाम हल्क है, तुमने हल्क और शिनचैन की मदद की, तुम हल्क के दोस्त। अरे एक बात तो बताओ, हम इस दुनिया में आने से पहले बहुत अलग दिखते थे, यहाँ पर आने के बाद पता नहीं हमें क्या हो गया। इस दुनिया के कुछ रूल्स है, इस दुनिया में जो भी आता है ये दुनिया उसे अपना जैसा बना लेती है, खाली जादूगर और काली शक्तियों को छोड़ के। अरे यहाँ पर आके तो हल्की सारी पावर चली गई है। इस दुनिया में तुम किसी भी टाइप की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अरे पर तुम यहाँ पर आए क्यों हो? अरे हम यहाँ पर फायर ड्रैगन को ढूंढते हुए आए हैं। मैं तो यहाँ काफी टाइम से रह रहा हूँ, पर मैंने आज तक किसी फायर ड्रैगन के बारे में नहीं सुना। शिनचैन रखवाले ने कहा था एल्डर ड्रैगन। अरे हाँ हाँ वही वही। अच्छा तो फिर ऐसा बोलो ना एल्डर ड्रैगन, अरे तुम उसको जानते हो क्या? अरे मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको। प्लीज प्लीज क्या तुम हमें उस तक लेके जा सकते हो क्या? तुम लोग मुझे अच्छे लोग लगते हो, मैं जरूर तुमको उससे मिलाऊंगा। अरे वह क्या बात है, जल्दी जल्दी से चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। देखा हल्क मैंने कहा था ना कोई तो मिल ही जाएगा जो हमारी मदद करेगा। अरे टोनी हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं? हम लोग एक खतरनाक जंगल की तरफ जा रहे हैं। क्यों वहाँ पर क्या है? वहाँ पर थॉर और वांडा है, हमें जल्दी से जाके उनकी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब वो ड्रैगन भी वहीं पर होगा ना? होगा तो वहीं पर, बस दुआ करो कि उन्हें मिल गया हो। तो गाइस जल्दी से जाते हैं थॉर और वांडा के पास, पता नहीं क्यों पर मुझे आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा। अरे टेंशन मत ले अपन लोग संभाल लेंगे। अरे वो रहे दोनों जन। भाई साहब ये दोनों तो खाली हाथ आ रहे हैं। अरे टोनी और फ्रैंकलिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो ड्रैगन कहाँ पर है? वो ड्रैगन तो पेनीवाइज का बच्चा बड़ी चालाकी से ले गया, इसलिए तो हम लोग तुम्हारी मदद के लिए पहुंचे। हमारी मदद तो तुम चाह कर भी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारे आने से पहले ही साइरन हेड इस जंगल में अपना आतंक मचा के वो ड्रैगन ले जा चुका है। और ये तो गड़बड़ हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मामला अपने हाथ से निकल रहा है, ये भूतिया पार्टी वाला अपने से दो कदम आगे है। हम यहाँ पर बैठ के तीसरे ड्रैगन का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे लगता है फिर से हमें एक बार आइस गॉडज़िला और किंग कॉन्ग की मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाँ टोनी तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये तो तुम दोनों ने एकदम सही बोला। थॉर और वांडा तुम जाके आइस गॉडज़िला को लेके आओ, मैं और फ्रैंकलिन जाते हैं किंग कॉन्ग के पास। ठीक है मैं जल्दी से जल्दी आइस गॉडज़िला तक पहुँचता हूँ, चलो वांडा। हाँ हाँ
जाएगा, चलो चलो। फ्रैंकलिन अब हमें भी निकलना चाहिए, तो चलो फिर फटाफट निकलते हैं। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं किंग कॉन्ग को लेने के लिए। अले अत्ता हुआ तुम दोनों आ गए। हमें तो आना ही था क्योंकि मुझे पता है तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। अले ऐसी बात नहीं है, दलतल मिला पेट थलाबे और मेरे को दुलाब हो गए। अभी तुम ही बताओगे ऐसी हालत में मैं उतर ललूंगा और मेरी पैंट गीली हो गई तो नाम तो भूतिया पार्टी वालों का ही खराब होगा ना। अच्छा ऐसी बात है क्या, देखा मैं कितना तोड़ता हूँ तुम्हारे बाले में। हम तुम्हें क्या बेवकूफ दिखते हैं, ये बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। अले यार भलाइता तो जमाना ही नहीं ला। वो शिनचैन और हल्क कहाँ पर है? अले वो दोनों तो एक पोर्टल में चले गए। कौन सा पोर्टल? अले अंदर एक लखवाला खला है, अगर तुमने उसको हला दिया ना तो तुम भी पोर्टल के अंदर जा सकते हो। ऐसी बात है तो चलो फिर। अले तमाल के दाना वो बहुत खतरनाक है। वो तो देखा जाएगा, हम तीन है और वो अकेला, हम आराम से जीत जाएंगे। अले देखो वोला, उसके पीछे वो क्या है जो इतना चमक रहा है? अले मैं उसी पोतल की तो बात कर रहा था। तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम कौन है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अंदर जाने दो वरना मारे जाओगे। अंदर जाना है तो मुझे हराओ और अपनी काबिलियत साबित करो। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मजा चकाना ही पड़ेगा। हाँ इसको तो बताते हैं इसने किससे पंगा लिया है। अले आधा आधा बताता हूँ तेरे को अभी मैं। तुम लोग मेरे हाथ से बचोगे नहीं। जाओ और मजा चखा दो इसे। ये तो मेरे आते गया, ये ले। हमसे पंगा लेगा तू नहीं बचेगा, ये ले आज तो तू मारा जाएगा। ये कैसी ताकत है तुम्हारे पास? तुम पर किसी काली ताकत का साया है। हाँ मेरी ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हमें अंदर जाने दो, अगर अंदर जाने दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हें तो मैं कभी अंदर जाने नहीं दूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें मारने के बाद मैं अंदर जाके रहूंगा। ये ले तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। अले वाह पेनी वाइज क्या धोया है तुमने तो इसको। हाँ अभी ये हार चुका है। तुम्हारे रूल के हिसाब से अभी मुझे अंदर जाने दो। मेरे रूल के हिसाब से सिर्फ अच्छे लोग अंदर जा सकते हैं, तुम जैसी काली शक्तियों का अंदर कोई काम नहीं। ये तो फिर वही बात हो गई, ईमानदार लोग भी अपनी जबान से पलट जाते हैं। रूल के हिसाब से सिर्फ एक जन मुझसे लड़ सकता था, तुम तीनों ने मिलके मुझ पे वार किया है जो कि बिल्कुल गलत है, तो तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें मार के ही अंदर जाना पड़ेगा। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा। तुम दोनों इसको संभालो, मैं जल्दी से पोर्टल के अंदर जाता हूँ। अले हाँ तुम दब बिंदा दाओ। ये मैं चला। अरे यार ये क्या हो गया? अले अत्ता हुआ पेनीवाइज तो पोर्टल बंद होने के पहले अंदर चला गया। हाँ अब वो ड्रैगन हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, अभी मजा आएगा ना। वाह क्या बात है, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। ये तो बहुत ही अजीब सी दुनिया है, पता नहीं वो ड्रैगन कहाँ पर होगा। जल्दी से जाके ढूंढता हूँ इससे पहले कि वो शिनचैन के हाथ में लग जाए। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे ये कौन है? ये तो मुझे यही का रहने वाला लगता है, बड़ा अजीब सा जानवर है, पता नहीं क्या है ये। एक काम करता हूँ इसे होश में ला के अपने काबू में कर लेता हूँ ताकि ये मेरी मदद कर सके शिनचैन को हराने में और मैं वो ड्रैगन लेने में कामयाब हो जाऊँ। हे शैतानी देवता मुझे ताकत दे ताकि मैं इसे अपने कंट्रोल में कर पाऊँ और हम वो तीसरा ड्रैगन ढूंढने में भी कामयाब हो जाए। उठ जा। जी मालिक क्या हुकुम है? तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी उस ड्रैगन को ढूंढने में और शिनचैन को हराने में। जैसी आज्ञा मालिक। अरे यार पता नहीं किंग कॉन्ग कहाँ पर जा सकता है, वो तो अपने पहले वाले घर पे भी नहीं है। मेरे पास उसकी लोकेशन आ चुकी है। कहाँ पर है वो? उसकी लोकेशन पहाड़ों के बीच में से आ रही है, पर एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? उन पहाड़ों के आसपास एक स्कल आइलैंड है और हमें उसके बीच से होके जाना पड़ेगा। ये तो नाम से ही खतरनाक लग रहा है। वो लग नहीं रहा वो खतरनाक है, और वहाँ हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सतर्क रहना। ये कहाँ पर आ गए अपन? यही वो जगह है। बड़ी अजीब सी जगह है, यहाँ पर किसी से भी फालतू पंगा लेने की कोशिश मत करना क्योंकि ये सारे के सारे उल्टी खोपड़ी के हैं। तो फिर हम यहाँ पर रुके क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने किंग कॉन्ग को देखा होगा तो ये अपनी मदद कर सकते हैं। पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। अरे ये कौन है? अभी जाके देखता हूँ इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की। ए तुम दोनों जो भी हो वहीं पे रुक जाओ, अगर हिलने की कोशिश की तो गोलियों से छल्ली कर दूंगा। अरे यार अब ये कौन है? अरे मुझे लगता है ये कबीले वाले लोग है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार हम लोग तो खाली यहाँ पर कुछ ढूंढने आए थे। अब जो भी ढूंढना है हमारे सरदार के सामने जाके ढूंढना। अरे पर हमने तो कुछ किया भी नहीं। तो क्या तुम्हारे करने का वेट करे? चलो चुपचाप। अबे यार ये कहाँ पर फंस गए? फ्रैंकलिन चुपचाप चलो, हमें पता नहीं ये कितने लोग है। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ, पता नहीं कौन से जानवर की होगी। फ्रैंकलिन ये ऐसे ही जानवरों को मार के अपना पेट भरते हैं और उनकी हड्डियों से अपना घर बनाते हैं। जुम्बारी जिली जिली सरदार। जुम्बारी जिली जिली बोलो क्या हुआ?
हुआ? ये दोनों घुसपैठिया हमारे कबीले में घुस आए थे। अरे पर हम लोग कोई घुसपैठिया नहीं है। तो फिर तुम कौन हो? अरे हम तो बस यहाँ पर कुछ ढूंढने आए थे। इसका मतलब कि जो तुम ढूंढने आए थे अगर वो हमारे पास हुआ तो तुम चुरा लोगे, तभी तो तुम घुसपैठिए ही हुए। और यहाँ पर कोई मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। अरे हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था इस चीज का, नहीं तो हम यहाँ पर कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते? ये जगह किसके बाप की है? अरे फ्रैंकलिन, ये तुमने क्या बोल दिया? बहुत बोलता है ये काला इंसान। इन दोनों को अभी के अभी उल्टा लटका दो और नीचे कुछ लकड़ियाँ भी जलाना। जी सरकार। A few moments later. अरे यार कम से कम ये जलती हुई लकड़ियाँ तो हटा दो। ऐसा कैसे हटा दे? ये तो हमने लगाई ही इसलिए है ताकि तुम गर्मी के मजे ले सको, और फिर तुम्हें पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। उनी यार कुछ तो कर, तेरे पास तो सूट है। अरे फ्रैंकलिन, मेरे सूट की बैटरी डाउन है और इसे ऑटो चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस कुछ ही देर की बात है, तब तक संभाल लो। अबे यार क्या फंस गए अपन, ना घर के रहे ना घाट के। गाइस यार जल्दी से लाइक कर दो ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँ। आज तो मजा आएगा दंगल देखने में। दंगल? कौन सा दंगल? वही दंगल जो तुम लड़ने वाले हो, और तुम तब तक लड़ोगे जब तक हार नहीं जाते, और हारने के बाद हम तुम्हें मार देंगे। अबे ये कैसी जबरदस्ती है? ये जबरदस्ती नहीं है, ये हमसे ऊंची आवाज में बात करने की सजा है। तुम सब लोग आज नहीं बचोगे, या तो मेरे सामने घुटने टेक दो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो फालतू में मार खाओगे। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों को आने वाली तबाही के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सांबड़, या तो तू लड़ी ले या तो भागी जा, एम पकाओ मत। तुम सब तो गए मेरे हाथ से, ये ले तू भी ले। बहुत बोल रहे थे, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, सारे के सारे मारे जाओगे। ये ले, तुझे तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। ये ले तुम अवेंजर हमारे सामने कुछ भी नहीं, अगर हमारे सामने झुक गए होते तो आज जिंदा होते, पर ये बेवकूफ अवेंजर मानने से रहे। अब तीन जन तो हट चुके हैं हमारे रास्ते से, बाकी भी जल्दी निपट जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन फंस गए, इन्होंने तो मेरा सूट भी उतरवा दिया। फिर तो समझो आज अपनी पुंगी बजी गई, हमें कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अरे पर तुम भी बिना सूट के और मैं भी निहत्ता हूँ, बिना हथियार के तो इनको हराएंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है, पर सबसे पहले हमें इसको हराना पड़ेगा। अबे इस सांड की साइज तो देख, मुझे लगता है ना हम दोनों भी उसके लिए कम पड़ेंगे, हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हारा कचुंबर बना दूंगा। आ जा भाई, तू भी इच्छा पूरी कर ही ले। तो गाइस चलो चलते हैं मार खाने। ये ले, तू तो नहीं बचेगा मेरे हाथ से। गाइस यार बस कैसे भी करके इसको हरा ले, एक तो इसको एक भी पंच नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तुम्हारा पंच लग रहा है पर मुझे कोई असर नहीं हो रहा। अरे ये तो गलत बात है, तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे हरा सको। ऐसी बात है तो ये ले। अरे फ्रैंकलिन तुम कहाँ पर मार रहे हो? ये इस साइड है। अरे सॉरी वो थोड़ा चुक गया था। अरे यार जब भी मारने जाता हूँ ये इस साइड आ जाता है। ये ले। अरे वाह फ्रैंकलिन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। गाइस यार क्या धक्का मारा है मैंने इसको, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। रुको इसको तो आज छोड़ेंगे नहीं। ये ले तेरे ऐसी की तैसी। ये तो गया गाइस मेरे हाथ से। अबे यार फिर से चुक गया। ये ले इस बार नहीं चुकूंगा। गाइस यार क्या धक्का लगता है इसको। ये तुम क्या बार बार धक्का मार रहे हो? अबे यार कितना बोलता, चुपचाप मार खाना। ये ले तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हम दोनों मिलकर तेरा कचुंबर बना देंगे। गाइस ये तो सामने आ गया। भाई साहब बच गए। फ्रैंकलिन थोड़ा संभाल के ही रहना। अबे उल्टा क्या देख रहा है, हम लोग यहाँ पर है। फ्रैंकलिन एक काम करो, मैं इसे संभालता हूँ, तब तक जाके तुम उस गार्ड की गन ले लो। अच्छा ठीक है। अबे यार कहाँ जा सकता है, अभी तो यही पे था वो गार्ड, इस साइड था कि इस साइड था। वो रहा गाइस, अभी जाके इसको मजा चकाते। ये ले। अबे यार ये तो एक ही पंच में लुढ़क गया। अब सबसे पहले इसको लुढ़काऊं मैं। ये ले। अरे वाह फ्रैंकलिन, अब इन लोगों को भी टपका देते, तब तक टोनी तुम सूट पहन लो। हाँ फ्रैंकलिन अभी पहनता हूँ। अरे वाह मेरा तो सूट भी चार्ज हो गया, अभी बताता हूँ इन सबको। बहुत ज्यादा उछल रहे थे, इनको नहीं पता इन्होंने किनसे पंगा लिया है। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, ये सारे के सारे मारे जाएंगे। कब से परेशान कर रखा है हम दोनों को, इनके लिए तो मेरी छोटी मिसाइलें ही काफी है। मुझे लगता है सारे के सारे निपट गए, अब जल्दी से जाता हूँ फ्रैंकलिन के पास। टोनी मुझे लगता है ना यहाँ का रास्ता तो साफ हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है ना। बात तो अच्छी है पर अभी अपने को किंग कॉन्ग का रास्ता कौन बताएगा? अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, वो तो मैं कैसे भी करके पता कर ही लूंगा। ऐसी बात है तो फिर चलते यहाँ से। हाँ चलो फटाफट। तो गाइस चलते यहाँ से फटाफट और किंग कॉन्ग को ढूंढते हैं। आ जाओ टोनी। रुको आया फ्रैंकलिन। अच्छा टोनी तेरे को क्या लगता है, अभी तक शिनचैन को ड्रैगन मिल गया होगा? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जब हमें ही नहीं मिले तो वो तो एक बच्चा है। हाँ पर उसके पास हल्क भी तो है, हल्क अकेला कब तक संभालेगा? हाँ वो भी है। यहाँ पर आ जाओ, हम मेरी बोट से जाएंगे। अरे तुम्हारे पास बोट भी है? हाँ जल्दी से अंदर आओ। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हें उस ड्रैगन के पास क्यों जाना है? अरे दरअसल उस ड्रैगन को लेने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। पर क्यों? अरे क्योंकि हमारे दुनिया
दुनिया के कुछ बुरे लोग इन ड्रैगन्स की मदद से हमारी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो इस ड्रैगन तक पहुंचे, हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे ये लाल लाल क्या है? अरे ये लावा है। अरे ये भी बॉक्स बॉक्स जैसा दिख रहा है। यहाँ पर हर चीज ऐसी ही दिखती है। अरे ऐसी बात है क्या? हाँ, वो ड्रैगन भी यहीं पे रहता है। इसका मतलब हम पहुँच गए। हाँ, ये रहा तुम्हारा फायर ड्रैगन। अरे वाह गाइस, क्या बात है। इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। शिनचैन, अब हमें जल्दी से इसको लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे हाँ स्टीव, हमें इस ड्रैगन को पोर्टल तक लेके जाना पड़ेगा। इसे कहो ना ये हमारे पीछे पीछे आए। एल्डर ड्रैगन, तुम हमारे पीछे पीछे पोर्टल तक आ जाओ। चलो शिनचैन। हाँ शिनचैन चलो, मैंने इसे कह दिया है। अरे ये कितना खतरनाक लग रहा है। कितना मस्त लग रहा है ये उड़ता हुआ। अरे इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, जल्दी से कर दो। बस कुछ ही देर में हम पोर्टल तक पहुँच जाएंगे। जल्दी से चलो, हल्क को इस दुनिया से बाहर निकल के अपनी दुनिया में जाना है। हल्क को अपना असली रूप चाहिए। अरे पोर्टल कहाँ पर गया? हम तो यहीं से आए थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब से एल्डर ड्रैगन इस दुनिया में आया है, वो पोर्टल यहीं पे था। अरे अब हम घर कैसे जाएंगे? इसका मतलब हम हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। चलो मेरे साथ। अरे पर तुम हमें कहाँ पर लेके जा रहे हो? हम माइंडस्टोन लेने जा रहे हैं, उसकी मदद से हम पोर्टल वापस खोल सकते हैं। ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी चलो, उस स्टोन तक हमें कैसे भी पहुँचना पड़ेगा। हाँ, अब हल्क को भी गुस्सा आने लग गया है। हाँ बस थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है, उसके बाद हम स्टोन तक पहुँच जाएंगे। कब तक पहुँचेंगे? यही वो जगह है जहाँ पर हमें स्टोन मिलेगा। अरे पर यहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं। वो इन्हीं पहाड़ों के बीच में है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अरे ये क्या है, टावर जैसा? यही वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमें स्टोन मिल सकता है। इसका मतलब तुम्हें भी कंफर्म नहीं पता क्या? मैंने सिर्फ इस जगह के बारे में सुना था, आज तक वो स्टोन मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे अगर वो होगा तो भी कहाँ पर होगा? वो इस चीज की सबसे ऊंची चोटी पर मिलेगा। अरे पर मैं इतना ऊपर जाऊंगा कैसे? शिनचैन, तुम्हारे पास ड्रैगन, उनकी मदद से ऊपर जाओ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी से जाके ड्रैगन पर बैठ जाता हूँ। ड्रैगन जल्दी से ऊपर चलो, हम वो स्टोन लाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। शिनचैन, तुम्हें मिला क्या? अरे मुझे दिख चुका है, अभी जाके लेता हूँ। आखिर में मुझे वो स्टोन मिल ही गया, अब जल्दी से नीचे जाता हूँ। शिनचैन, लगता है ये ड्रैगन तुम्हें पसंद करता है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। चलो अब जल्दी से जाके पोर्टल खोलते हैं। अरे हाँ हल्क, तुम एकदम सही कह रहे हो, और स्टीव तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो हम वापस घर ही नहीं जा पाते। अरे मुझसे तो हाय कह दो। अरे पेनीवाइज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर वही करने आया हूँ जो तुम करने आए हो। अरे ये एल्डर मैन इसके साथ क्या कर रहा है? एल्डर मैन, तुम जाओ और इनको मजा चखा दो। शिनचैन, तुम जाके पोर्टल खोलो, मैं इसे संभाल लूंगा। हाँ शिनचैन जाओ, मैं स्टीव की मदद करता हूँ। कितने बेवकूफ है ये लोग, मेरी चाल में फंसते ही जा रहे हैं। अरे गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं ये पोर्टल खोलूं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अरे ये पोर्टल तो खुल गया, अब आएगा मजा। ये सारे के सारे लोग अपने अपने काम में बिजी है, इनको तो ये भी नहीं पता कि ये सिर्फ मेरा रास्ता साफ कर रहे हैं। जल्दी से ड्रैगन को यहाँ से लेके नौ दोबारा हो जाता हूँ। चलो ड्रैगन, और ये मैं चला। अरे ये क्या हो गया, ये तो ड्रैगन को लेके चला गया। हल्क जल्दी से चलो, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। हल्क तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। स्टीव सॉरी, पर हल्क को जाना पड़ेगा, जल्दी से चलो। वाह मेरे शैतानों, तुम लोगों ने कर ही दिखाया। हाँ बॉस, आखिरकार ये तीनों ड्रैगन हमारे पास है, इन तीनों की मदद से हम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकते हैं। अभी ये जहान हमारी ताकत के सामने झुकेगा। और ये तब कुछ हुआ है, मेले वो देते। अपना मुंह बंद रख, अगर तेरे भरोसे रहते तो ये तीसरा ड्रैगन कभी हमें नहीं मिल पाता। अभी तक ये अवेंजर मेरे सामने आए नहीं है, इसलिए उन्हें मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हाँ बॉस, आपसे ज्यादा ताकतवर वो हो ही नहीं सकते। हाँ बॉस, आप सबसे ताकतवर हो। शैतान अमर रहे। अब ज्यादा देर ना करते हुए हमें ये विधि शुरू करनी पड़ेगी और गिदोरा को जगाना पड़ेगा। तो गाइस यार, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होने वाला है, पर अगर आप लोगों को पता करना है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अपन गोल रखते हैं 60,000 लाइक का। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।